के तत्वाधान में हम लोग निबंध प्रतियोगिता का अपने रेल कर्मचारी के बच्चों के लिए आयोजित निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि इससे इन बच्चों के व्यक्तित्व में व्यक्तित्व को निखारने में ये सब निबंध चित्रकला प्रतियोगिता में इनकी अहम भूमिका रहती है। क्योंकि बच्चों के बारे में कहा जाता है कि अभी तो तुमने मुट्ठी भर जमीन मापी है, अभी तो पूरा आसमान मापना बचा है। और मैं एक बात और आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी कि कल 14 सितंबर था। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी हम लोगों की राष्ट्रभाषा है, तो इसमें तो कहने की भी मतलब ज़रूरत नहीं है कि राष्ट्रभाषा का हम लोग अपने दैनिक जीवन और हर चीज़ में राष्ट्रभाषा का जरूरत जितना ज़्यादा हो सके उपयोग करना चाहिए। कि जैसे है कि कलमे लगाना जानते हो तो ज़रूर लगाओ कलमे, लेकिन इतना याद रखे कलमों में फूलों और फलों में अपने मिट्टी की गंध और खुशबू बरकरार रहे। आज का टॉपिक क्या दिया गया? आज का टॉपिक 3 वर्ग का है, वो 9 to 11 और 7 to 9 और 11 to 13, 3 ग्रुप के बच्चों का है। सब बच्चों का अलग अलग टॉपिक और ये हेडक्वार्टर से ही आता है। टॉपिक क्या है इनका? सबका जैसे 7 to 9 के लिए है मेरे जन्मदिन की पार्टी या प्रिय त्यौहार या प्रिय पशु, और 9 to 11 है 3 इच्छाएँ मेरी सर्वश्रेष्ठ याद और स्वतंत्रता दिवस, और 11 to 13 ईयर्स के बच्चों के लिए है मैं क्या बनना चाहता हूँ, प्रदूषण का हमारे जीवन पर प्रभाव और जल बचाव। आपका प्रतिभा कश्यप।